मानिकपुर, मायापुर उत्तरी, मायापुर दक्षिणी, करवनिया और मियापुर और डुमरी, तकिया धरारा और भागलपुर, ये सब क्षेत्र बॉर्डर के हैं, बिहार का बॉर्डर लगता है और उन क्षेत्रों को मैंने दौरा किया है। जनता की मांग है कि आप आएंगे तो रोड बनेंगे, सब विकास का काम होगा। चलिए ठीक है राम नरेश जी, ये बताइए कि पिछले 5 सालों से भाजपा के विधायक से कौन से काम ऐसे अछूते विकास के रह गए हैं जिसे आप विधायक बनकर पूरा कर सकेंगे, पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जनता के बीच आप जाते हैं, जनता पसंद भी कर रही है आपको। जी सर, जनता पसंद कर रही है और रही बात विधायक की है तो उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बार बार जब क्षेत्रों में उनका विरोध हो रहा था तभी मैंने कहा कि उनका मुद्दा है, उनसे पूछिएगा, हम जब आएंगे तो जो जनता की समस्याएं होगी उसको मैं करने कराने में काम करूंगा। दूसरी बात यह है कि क्षेत्र में कहीं भी लड़कों का विकास के लिए खेल कूद क्रीड़ा वाला कोई स्टेडियम नहीं है, उस पर भी हम विचार करेंगे कि कहीं स्टेडियम बनाया जाए जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। राम नरेश जी, सलीमपुर में क्या कुछ खास है, क्या बताने की कोशिश करें, क्योंकि आप वहीं से हैं, आपने बखूबी इस क्षेत्र को देखा है। सर, हमारे यहाँ तलावा का आश्रम है और उसके बाद से जो दिगेश्वर नाथ मंदिर प्रसिद्ध है, वहाँ पर तमाम शादियां अभी होती रहती हैं। वहाँ पर दिगेश्वर नाथ में जो तालाब है उसका शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, मैंने उनसे मठ के मिला था, उनके साधु जी से, उन्होंने कहा कि बहुत लोग आए, बहुत लोग किए, नहीं हो पाया और इसके चारों ओर से जनपद शुद्धिकरण के लिए सीढ़ियां बननी थी, रसोई घर बनना था। मैंने कहा ठीक है, हम जनता और पार्टी हाईकमान अगर टिकट को देता है तो हम इस काम को करने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए ठीक है राम नरेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि सलेमपुर विधानसभा से भाजपा की लड़ाई किस पार्टी से है, सीधी टक्कर किससे है? भाजपा की लड़ाई के सामने कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक है और यहाँ से कमल के फूल भी जीतेगा और दूसरे के दूसरा कोई नहीं जीत सकता, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चलिए ठीक है राम नरेश जी, बहुत शुभकामनाएं। एक लाख से अधिक से जीतूंगा, आजादी से लेकर 75 साल बीत गया, कोई पासवान का अब तक में नेता को टिकट नहीं किसी पार्टी ने दिया। अच्छा। सलेमपुर से, और मैं प्रबल दावेदार हूँ, टिकट तो मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुभकामनाएं आपको। 20,000 ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 20,000 वोट है और आपने ये दावा किया है कि हम बहुत सारे वोटों से जीत कर कमल जो है वो खिलाते हुए नजर आएंगे। हम भी आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि आखिर सियासी गद्दी पर कौन बैठेगा। तो ये थे राम नरेश पासवान, सलेमपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनने की पूरी कवायद इन्होंने की हुई है और बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार भी माने जाते हैं। इनके क्या विजन थे, एक किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, हम जानने की कोशिश की है। तो फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।